आज हम लोग करने जा रहे हैं ज्योग्राफी क्लास 9 का सेकंड चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इस वीडियो के एंड में मैं आपको दो क्वेश्चंस दूंगा जिनका आंसर आप बिना कहीं एक्सटर्नली रेफर किए वीडियो के तुरंत बाद कमेंट्स में लिखें। इससे आपकी रिटेंशन भी बढ़ेगी और आप वीडियो को ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से सुन पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, इसे अल्फर्ड वैगनर ने दिया था। ये थ्योरी हमें अर्थ के जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनके फॉर्मेशन के बारे में समझने में हेल्प करती है। इस थ्योरी के अनुसार कई सालों पहले एक लार्ज लैंड मास कई छोटे कॉन्टिनेंट्स में टूटा था जिसके कारण आज के प्रेजेंट कॉन्टिनेंट्स बने थे। हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू एक गोंडवाना लैंड नाम के लैंड मास का पार्ट था। इस लैंड मास में कई सारे रीजन्स वर्ल्ड के प्रेजेंट थे उस समय, जो कि एंटार्क्टिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, सदर्न अमेरिका है। ये कन्वेंशनल करेंट्स के कारण स्प्लिट हो गया और अलग अलग डायरेक्शंस में सभी प्लेट्स बढ़ने लगी। ऐसे ही हमारी जो प्लेट है वो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। ये ऊपर के यूरेशियन प्लेट से जाकर टकराई और दोनों के बीच में टेथिस सी, जो कि एक जियो सिंक लाइन था, उसका फॉर्मेशन हुआ। आज जो हम नॉर्दर्न प्लेन्स देखते हैं वो इसी टेथिस सी में भरे हुए सेडिमेंट्स के कारण बना है। अब इंडिया के मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स क्या हैं? सबसे पहला द हिमालयन माउंटेन्स। हिमालयन माउंटेन्स तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये इसकी टोटल लेंथ 2400 किलोमीटर्स है। इसकी विड्थ 150 किलोमीटर से 400 किलोमीटर्स तक है। 400 किलोमीटर्स उस रीजन में जहां कश्मीर वैलीज हैं और 150 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश की तरफ। इसके जो तीन रेंजेस हैं वो है हिमाद्री। तो हिमाद्री सबसे नॉर्थ में जो रेंज है हिमालयाज की उसे कहते हैं। हिमाद्री सबसे ऊंची रेंजेस हैं और ये पेरेनियली स्नो बाउंड होती हैं। इतने ऊंचे हाइट पर टेम्परेचर काफ़ी लो होता है और इसीलिए ये हमेशा स्नो से ढकी रहती हैं। इनकी एवरेज हाइट आप याद रखें 6000 मीटर्स होती है। अगला है हिमाचल, जिन्हें लेसर हिमालयाज कहते हैं। हिमाचल हिमाद्री के बाद आती है। ये 3700 से 4500 मीटर अल्टीट्यूड की होती हैं। इनका विड्थ 50 किलोमीटर होता है और इसमें पीर पंजाल, धौलाधार, महाभारत जैसे रेंजेस हैं। इसमें कश्मीर, कांगड़ा और कुल्लू वैलीज भी हैं। इन वैलीज और रेंजेस के नाम आप याद रखें, न सिर्फ CBSE एग्जाम्स में बल्कि NTSC में भी आपसे डायरेक्टली इसे पूछा जा सकता है। अगला है शिवालिक रेंजेस। इसकी विड्थ 10 से 15 किलोमीटर्स, एल्टीट्यूड 900 से 100 मीटर्स और ये अनकॉन्सोलिडेटेड रिवर डिपॉजिट से बने हैं। तो देखिए, सबसे पहले हिमाद्री रेंज है, फिर हिमाचल और फिर आता है शिवालिक। हिमाचल और शिवालिक के बीच में यहाँ पर जो रीजन है उसे दूनस कहते हैं। ये लॉन्गिट्यूडनल वैलीज हैं। आपने देहरादून का नाम सुना होगा, ऐसे ही कोटली धून और पतली धून भी है। हिमालयस के ईस्ट और वेस्ट डिवीजन भी होते हैं। इनमें ऐसे रेंजेस हैं जिन्हें हम लॉन्गिट्यूड्स के बेसिस पर डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम इसे इंडिया का मैप समझें, यहाँ कश्मीर है, तो सबसे पहले पंजाब हिमालयस हैं, ये इंडस और सतलुज के बीच में है। फिर आती है कुमाऊं हिमालयस, जो कि सतलुज और काली के बीच में प्रेजेंट है। उसके बाद नेपाल और उसके बाद आसाम हिमालयस। किन रिवर्स के बीच में ये सिचुएटेड है आपको इन्हें अच्छी तरह से याद रखना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पिछले सालों में कई बार आ चुका है। अगला पूर्वांचल। तो जो हिमालय जहां एंड करती हैं उसके आगे के रीजन को पूर्वांचल कहा जाता है। हिमालय लास्ट में जाकर स्टीपली नीचे होने लगती हैं, उनकी हाइट काफ़ी कम हो जाती है और वो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाकर पूर्वांचल का फॉर्मेशन करती हैं। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो और मणिपुर हिल्स हैं। आप इनका नाम हमारे स्टेट्स के नाम से भी याद रख सकते हैं, जैसे नागा हिल्स नागालैंड के पास हैं, मिजो हिल्स मिजोरम के और मणिपुर हिल्स मणिपुर में। अगला आता है नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स की टोटल लेंथ भी 2400 किलोमीटर है। इसकी विड्थ 240 किलोमीटर से 320 किलोमीटर तक होती है। नॉर्दर्न प्लेन्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, मेनली जिस रिवर के द्वारा उसे फेड किया जाता है उसके बेसिस पर। पंजाब प्लेन्स इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज के द्वारा सींची जाती है। वहाँ पर पंजाब के रीजन में इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज का ही वाटर यूज़ किया जाता है और उसी वाटर के कारण उस प्लेन रीजन का फॉर्मेशन भी हुआ था। अगला
गंगा प्लेन्स। गंगा प्लेन्स जो हमारी नॉर्थ इंडिया के उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे स्टेट्स हुए, इन रीजन्स को कहा जाता है। और ब्रह्मपुत्र प्लेन्स नॉर्थ ईस्ट की तरफ से ब्रह्मपुत्र आती है, उस रीजन और बांग्लादेश के रीजन्स को कहा जाता है। नॉर्दर्न प्लेन्स को चार डिविजन्स में बांटा गया है, भाबर, तेराई, भंगर और खादर। भाबर रीजन पेबल्स का एक बेल्ट है 8 से 16 किलोमीटर्स का। यहाँ पर जो स्ट्रीम्स होती हैं रिवर्स की वो डिसअपियर हो जाती हैं। ये शिवालिक्स के पैरेलल वाले रीजन को कहा जाता है। भाबर के बाद तेराई में वेट और स्वैम्पी एरिया है, यहाँ पर फॉरेस्ट्स की काफ़ी प्रेजेंस है और यहाँ पर ही स्ट्रीम्स रीअपियर होती हैं जो भाबर में गायब हो गई थी। अगला है भंगर। भंगर ओल्ड एलुवियल सॉइल से बना हुआ रीजन है। ये जनरली फ्लड प्लेन से दूर होता है, इसकी फॉर्मेशन काफ़ी सालों पहले हुई थी, इसीलिए ये एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी फिट नहीं होता। यहाँ पर टेरेस लाइक स्ट्रक्चर्स और नीचे कंकर नोड्यूल्स मिलते हैं। कंकर नोड्यूल्स सॉइल से बने हुए नोड्यूल्स होते हैं जिनके कारण वहाँ पर एग्रीकल्चर करना बहुत ही सूटेबल नहीं है। अगला है खादर। खादर बेस्ट रीजन्स होते हैं एग्रीकल्चर के लिए, ये फ्लड प्लेन्स के पास होते हैं और इसकी सॉइल रिन्यू होती रहती है एवरी ईयर जो फ्लड्स आते हैं उससे। पेनिनसुला प्लेट्यू, इसे एक टेबल लैंड कहा जाता है क्योंकि इसकी जो टॉप होती है वो फ्लैट होती है लेकिन एजेस पर ये स्टीपली नीचे जाती है। यहाँ ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बनी हुई प्लेट्यू है। ये प्लेट्यू जो हिल्स पाई जाती हैं वो राउंडेड होती हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये काफ़ी ओल्ड लैंडमास है और जो हिल्स की पीक होती हैं वो कोरोजन के कारण पॉइंटेड से राउंडेड होती जाती हैं विद टाइम, और इतने पुराने लैंडमास होने के कारण यहाँ पर हिल्स का शेप राउंडेड है। ये हिमालय से डेक्कन प्लेट्यू के हिल्स को डिफ्रेंशिएट करती है। सेंट्रल हाईलैंड्स, असल में पेनिनसुला प्लेट्यू को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द डेक्कन प्लेट्यू। इस डिवीजन को नर्मदा रिवर के बेसिस पर किया गया है। ये अगर नर्मदा है तो इसके नीचे के पार्ट को डेक्कन प्लेट्यू और ऊपर के पार्ट को सेंट्रल हाईलैंड्स कहा जाता है। सेंट्रल हाईलैंड्स की नॉर्दर्न बाउंड्रीज अरावली रेंजेस तय करती हैं, इसकी सदर्न बाउंड्री विंध्या रेंज तय करती हैं और इसकी ईस्टवर्ड एक्सटेंशन बुंदेलखंड और बागेलखंड है। अगर इसके हम और फर्दर एक्सटेंशंस को देखें तो यहाँ छोटा नागपुर प्लेट्यू भी सेंट्रल हाईलैंड्स का ही पार्ट है। छोटा नागपुर प्लेट्यू में दामोदर रिवर बहती है और सेंट्रल हाईलैंड्स में बहने वाली बाकी रिवर्स हैं सोन, बेतवा, चंबल और केन। अगला है डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू नर्मदा के नीचे वाले रीजन को कहा जाता है। इसकी नॉर्दर्न बाउंड्री है सातपुरा रेंज। सातपुरा रेंज भी नर्मदा के नीचे ही है। अगर मैप पे आपको इन रेंजेस को मार्क करने आया तो आपको इसी तरह से तीनों रेंजेस को दिखाना है, विंध्या, नर्मदा और सातपुरा रेंजेस। डेक्कन प्लेट्यू के ईस्टवर्ड एक्सटेंशन महादेव, कैमूर और माइकाल रेंजेस हैं। इसे नॉर्थ ईस्ट में अगर देखा जाए तो जो मेघालय, गर्बी एंग्लोंग प्लेट्यू और नॉर्थ कैचार हिल्स भी हैं, ये भी डेक्कन प्लेट्यू के ही एक्सटेंशन हैं। डेक्कन प्लेट्यू के ईस्ट में ईस्टर्न घाट्स और वेस्ट में वेस्टर्न घाट्स हैं। वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के बीच का डिफरेंस मैंने यहाँ लिखा है। वेस्टर्न घाट्स ऊंचे हैं ईस्टर्न घाट से। वेस्टर्न घाट्स की एवरेज हाइट 900 से 1600 मीटर्स है, वही ईस्टर्न घाट्स की एवरेज हाइट 600 मीटर्स है। वेस्टर्न घाट्स के जो हाईएस्ट पीक्स हैं डोडा बेटा और अनाई मोड़ी, उनकी हाइट्स भी ईस्टर्न घाट के हाईएस्ट पीक महेंद्रगिरी से ज़्यादा है। इनकी हाइट्स अप्रॉक्सीमेटली आप याद रखें और इनके नाम आप ज़रूर याद रखें। वेस्टर्न घाट्स कंटिन्यूस है जबकि वेस्टर्न घाट्स जब आप देखेंगे तो ये कंटिन्यूस रेंजेस की तरह हैं जबकि ईस्टर्न घाट्स ब्रेक होती हैं कई जगहों पर। ईस्टर्न घाट्स में अगर आप नोटिस करेंगे तो रिवर के डेल्टास बन जाते हैं जबकि वेस्टर्न घाट्स में ऐसा नहीं है। वेस्टर्न घाट्स को पार करने के लिए 3 पासेज हैं, मतलब इतनी कंटिन्यूस रेंजेस हैं वो कि हम ऐसे ही उन पहाड़ियों के ऊपर से पार नहीं हो सकते, हमें नीचे लोअर फ्लैटर पासेज चाहिए उन्हें पास करने के लिए। इन पासेज का नाम आप जरूर याद रखें, ताल, भोर और पाल। अगला है डेक्कन ट्रैप रीजन। डेक्कन ट्रैप रीजन असल में वोल्केनिक ओरिजिन का है। ये गुजरात से दिल्ली तक के एरिया को कवर करता है।
ये अरावली हिल्स इस रीजन को सराउंड करती हैं। अगला हम लोग आते हैं द इंडियन डेजर्ट पे। ये अरावली हिल्स के वेस्ट में पाई जाती हैं। आप एक चीज़ देखें कि जो मानसून के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो मानसून हमारे कंट्री में जो वेस्टर्न साइड से आता है वो ऐसे आता है। यहाँ पर अरावली हिल्स इसे इंडियन डेजर्ट में घुसने से रोक देती हैं। इसी कारण से इंडियन डेजर्ट में जो रेनफॉल है वो काफ़ी कम है। यहाँ बहने वाली इकलौती मेजर रिवर है लूनी, जो कि एक इनलैंड रिवर है। मतलब ये रिवर सी में जाकर ख़त्म नहीं होती, बल्कि लैंड के अंदर ही ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर बर्चांस का फॉर्मेशन होता है, जो कि क्रिसेंट शेप ड्यून्स हैं। ये जैसलमेर रीजन में पाए जाते हैं। अगला हम लोग आते हैं कोस्टल प्लेन्स पर। कोस्टल प्लेन्स में इकलौता क्वेश्चन जो आपको आ सकता है वो है इन कोस्टल प्लेन्स का डिवीजन। कोंकण, कन्नड़ और मालाबार कोस्ट के बारे में आप ज़रूर याद रखें। कोंकण कोस्ट मुंबई से गोवा के बीच में है, कन्नड़ कोस्ट गोवा से नीचे मतलब कर्नाटका वाले रीजन में, और मालाबार कोस्ट तमिलनाडु और केरला के रीजन को कहा जाता है। वहीं ईस्ट में कोरोमंडल कोस्ट और नॉर्दर्न सिरकार रीजन्स हैं। नॉर्दर्न सिरकार आंध्र प्रदेश और ओडिशा वाले रीजन को कहा जाता है। अगला हम लोग आते हैं दी आइलैंड्स। आइलैंड्स इंडिया के पास दो हैं, एक लक्षद्वीप और एक अंडमान एंड निकोबार। ये आइलैंड्स यूनियन टेरिटरीज के रूप में इंडिया यूनियन के पार्ट हैं। लक्षद्वीप मालाबार कोस्ट ऑफ केरला के पास है। ये स्मॉल कोरल आइलैंड से मिलकर बना हुआ है। पहले क्या होता था कि लक्षद्वीप को लक्षद्वीप के नाम से नहीं, बल्कि लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमेंडीव के नाम से जाना जाता था। इसे 1973 में लक्षद्वीप नाम से फॉर्म किया गया। इसके एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल्स कवरट्टी में हैं और ये 32 स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया को कवर करता है। पिट्टी आइलैंड में एक बर्ड सेंचुरी है, आप इसे याद रख सकते हैं, क्योंकि पूछा जा सकता है विच आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप हैज अ बर्ड सेंचुरी। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का स्ट्रेटेजिक इम्पॉर्टेंस है हमारी कंट्री के लिए। अगर आपने देखा होगा तो चाइना क्या करता है कि वो इस रीजन में घुसना चाहता है, मतलब जो इंडियन ओशन रीजन है। ये इंडिया का कोस्ट है मान लीजिए, उसके नीचे श्रीलंका और यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं। अगर इंडिया इस रीजन पर पूरा कंट्रोल चाहता है तो उसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को मिलिटरीली और स्ट्रैटेजिकली डेवलप करना होगा। इंडिया के पास की है इंडियन ओशन में घुसने का ईस्टर्न साइड से। अगर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पर किसी और कंट्री ने कब्जा कर लिया तो इंडिया इंडियन ओशन में अपनी डोमिनेंट पोजीशन खो सकता है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पे बैरन आइलैंड्स है, जो कि एक एक्टिव वोल्केनो है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में ही इंडिया की सदर्न मोस्ट पॉइंट थी इंदिरा पॉइंट, जो कि 2004 की सुनामी में डूब गई थी। अगली बात आती है कोरल्स की। कोरल्स शॉर्ट लिव्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो होता क्या है कि कोरल्स लार्ज ग्रुप्स में रहते हैं और काफ़ी जल्दी मरते हैं। इनकी जो डेड बॉडीज होती हैं वो पानी में जमा होते होते आइलैंड्स का रूप ले लेती हैं। ऐसा ही बैरियर रीफ, फ्रिंजिंग रीफ और एटोल्स के फॉर्म में आप इन्हें देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की द ग्रेट बैरियर रीफ काफ़ी फेमस है पूरी दुनिया में और ये कोरल का हमारे लिए एक एग्जाम्पल भी है। अब बात आती है आज के होमवर्क क्वेश्चन की। आप देख सकते हैं कि मैंने आपको इन दोनों के आंसर्स बताए थे इसी वीडियो में। विच मेजर रिवर पासिस थ्रू द थार डेजर्ट एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द थ्री पासिस इन द वेस्टर्न घाट्स। आप इनके आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। आज इसी के साथ हम ये वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू।